वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर मोहम्मद इज़ाज़ खान, सेकंड ईयर, लेक्चर नंबर 11, एक्सरसाइज 1.2, एमसीक्यूज सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर 50% फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज आएंगे, तो आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें और समझें ताकि अपने मार्क्स आप ज़ाया ना कर सकें। चूज द करेक्ट आंसर एंड प्लेस इट एट गिवन प्लेस। कुछ एमसीक्यूज हमें गिवन होंगे, चार ऑप्शन होंगे, उनमें से आपने पहले उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम उसको टिक मार्क कर देंगे। इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, देन फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है, 0, 8, 1, 4। ये फंक्शन हमारे पास गिवन होगा, इस फंक्शन के अंदर 0 पुट कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देखते हैं ये फंक्शन हमारा गिवन है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे। 2 की पावर x 0 की है, फंक्शन और 0 किसी भी चीज़ की पावर 0, 2 की पावर हो या 2 लैक्स, किसी भी चीज़ कोई भी नंबर उसकी पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है। यानी इसमें से देखें 1 C हमारा आंसर है। आपके पास इवन फंक्शन आए, ऑड फंक्शन आए या कोई भी फंक्शन आए, उस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है, जो फंक्शन है गिवन है जैसे 0, तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह 0 सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा 1। इफ फंक्शन एफ एक्स 3x³, देन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x की जगह 2 दिया हुआ है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। a 24 b 8 c 16 या d 32। देखिए सोल्यूशन करते हैं, फंक्शन गिवन था, ये हमने लिख दिया x बराबर हमारे पास 2, जहाँ जहाँ एक्स हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। x³³ 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 2 4 4 2 4 2 8 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 24 इसका आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर होगा। द फंक्शन 10x एट x इज इक्वल टू π/2, 10x x की जगह क्या रख देंगे, π/2, और पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री, यानी 10 90 की वैल्यू निकालेंगे। आप देखें कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, इवन, ऑड, चेक कर लेते हैं। 10 पाई बाई 2 होता है 90 और 10 90 होता है 0। 4 1, इफ फंक्शन ऑफ x log x, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, ap, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है, उन वैल्यूज को हम एक्स की जगह पर रख देते हैं। फंक्शन ऑफ ए भी देखें, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ये में, फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी, बी में दिया फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ बी, इसी तरह सी में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। तो पहले हम फंक्शन को लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या रहा है, फंक्शन के अंदर ए बी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, ए बी। अगर हम यहाँ ए बी रखेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो लॉग को दो बार अलग अलग लिख देते हैं, क्योंकि दो नंबर हैं, दोनों को अलग 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 लिखेंगे और बीच में प्लस लगा दें, ये लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए
प्लस फंक्शन ऑफ बी लॉग ए किसके बराबर है, अगर यहाँ ए और ए रख देंगे तो ये एफ ए के बराबर हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस ऐसी इसी तरह बी के बराबर, यानी हमारा जो आंसर आएगा एफ ए प्लस एफ बी। द क्वांटिटी टू विच वी कैन असाइन माई वैल्यू इज कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन वेरिएबल नन ऑफ दिस, इसमें जो एक आंसर आप लगाएंगे सी वाला वेरिएबल, द क्वांटिटी टू विच वी कैन असाइन एनी वैल्यू इज वेरिएबल। पांचों ब्लैंक के आंसर मैंने सॉल्व करके भी बताए, इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, बस ये आप समझ लें वेरिएबल, और ये इसके आंसर मैंने नीचे गिवन भी दिए हैं। इस तरह के और भी फंक्शन आ सकते हैं, फंक्शन जैसे भी आए आपने बस सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, यानी फंक्शन के अंदर जो वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को एक्स की जगह पे रख देना और आप बाकी कैलकुलेशन करते रहेंगे तो फंक्शन निकल आएगा। द फंक्शन ऑफ द टाइप ए एक्स, यानी ए की पावर एक्स, अगर ऐसा कोई फंक्शन आए तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा, एक्सपोनेंशियल। एट एक्स इज इक्वल टू बाय द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या कि मैंने हमारे पास पाई, यानी जा रहा है एक्स वहां क्या रख देंगे हम पाई रख देंगे, पाई कितनी होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री। हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, देखें फंक्शन के बिंदा जहाँ रहा है एक्स वहाँ हमने क्या रख दिया 180 डिग्री, 180 साइन 180 कितना होता है, जीरो होता है। आप कैलकुलेटर में साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकाल दिए जीरो, और कोस 180 की वन होती है, माइनस वन होती है, तो माइनस प्लस माइनस और ये वन, ये रहा जो शुरू में लिखा हुआ रहा ये आ गया, प्लस कोस 180 डिग्री बराबर होता है माइनस वन के, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया माइनस वन। मजीद देख लेते हैं, 1 - 1 जीरो, 0 - 1 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है ये बी वाला आंसर है। अगेन एक फंक्शन जो मैंने एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब इज एन डैश फंक्शन, इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं, इवन ऑड इम्प्लिसिट या नन ऑफ दिस। अच्छा मैंने शुरू में भी बताया कि जब भी फंक्शन की बात आए इवन या ऑड तो उसमें आपने करना क्या, ज़्यादा एक्स वहाँ क्या रख दोगे माइनस एक्स। देखते हैं ये फंक्शन गिवन था, ये माइनस वन रखा हुआ है तो इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें, इधर माइनस एक्स कर दें और इधर सॉल्व करें, आंसर हमारा ना माइनस का। जब भी माइनस का आंसर आएगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कौन सा होगा, ऑड फंक्शन होगा। माइनस के आंसर में क्या होगा, ऑड, इवन के प्लस के आंसर में जो फंक्शन आएगा वो कौन सा होगा, इवन होगा। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² फाइंड फंक्शन 1/x, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दोगे 1/x। सॉल्व करते हैं, देखें ये फंक्शन की विंदा ये लिख दिया हमने, एंड देन जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ क्या रख दिया 1/x, क्योंकि फंक्शन में 1/x है, 1/x 1/x का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 = 2, एक्स का स्क्वायर यानी 2/x² 2/x² बी इसका आंसर है। इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x, यहाँ बीच में इज इक्वल टू डाल दें जहाँ रेड डॉट है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x, जहाँ रहा एक्स वहाँ जीरो रख दें, जहाँ रहा एक्स वहाँ जीरो रख दें, इंशाल्लाह तआला आंसर निकल आएगा। देखें फंक्शन एक्स 4x, जहाँ रहा एक्स वहाँ क्या जीरो, एक्स की जगह जीरो, एक्स की जगह जीरो, किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो आ जाए तो वो वन के बराबर होता है, फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, ये 1 यानी हमारा आंसर ए। छठे का आंसर हमने सी निकाला था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 7 का आंसर हमने ये निकाला, 8 का भी निकाला है और 9 का भी। 10 का जो आंसर आया हमारे पास वो 1 आया, ए आया। इस तरीके से पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एंड देन हम आंसर लगाएंगे, कोई भी स्टूडेंट तुक्केबाजी नहीं करेगा, ठीक है भाई। इसको अच्छी तरीके से रीड करें लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच, इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरेज खान
आपको अल्लाह हाफिज करता हूँ। अल्लाह हाफिज।